नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। सच की एक लाइन में फैसला या क्या खारिज। हमारे साथ में अविरल मलिक जी फोन पर मौजूद हैं, फोन इन लाइव पर, और जो भाजपा नेता हैं। अविरल जी जी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक, बहुत खुश होंगे आप, क्योंकि अविरल साहब आप देख रहे हैं कि अब तो वहां से याचिका भी खारिज हो गई है, केवल एक शब्द में ही डिसमिस। जी जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से खुश होने वाली बात, इसमें प्रसन्नता की बात है ही, क्योंकि जो व्यक्ति जो अपराध कर रहा है उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, और सजा जब कोर्ट के द्वारा दी जा रही है तो उसमें खुश होने में, प्रसन्नता जाहिर करने में क्या आपत्ति है। निश्चित रूप से कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, और कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है वो स्पष्ट है, और कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से राहुल गांधी को एक प्रकार से इनकी जो सजा है उसको सेट कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है। अब इनकी सजा को नहीं काटा जाएगा, अब इनको निश्चित रूप से अपने जीवन काल में 2 वर्षों के लिए जेल अवश्य जाना ही होगा। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर देश का जो जनमानस है, जो लोग हैं जिनका अपमान राहुल गांधी के द्वारा किया गया था, तो वो लोग निश्चित रूप से मिठाई बांटने का काम करेंगे, उसमें क्या आपत्ति है। बायनाड में समझा जाए कि बायनाड तक जो है टूट भी जाएगी या चुनाव लड़ पाएंगे, देखिए वो, देखिए मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये कहीं पर भी चुनाव लड़े, ये निश्चित रूप, ये अब निश्चित है कि भारत की जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है, चाहे वो वायनाड हो चाहे अन्य कोई स्थान हो। लेकिन कहीं भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता चुनाव लड़े, अब की बार 2024 के आम चुनाव में, 2024 लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 543 में से मुश्किल से 20 सीटें मिलेंगी, वो भी मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए आती हैं, तो उनको इस बात को अपने जहन में उतार लेना चाहिए कि उनकी जमानत इस बार जब्त निश्चित रूप से होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब कोई बचा नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरे देश की जनता है, और वो राहुल गांधी के कारण है। राहुल गांधी के द्वारा जितने कार्य किए गए वो देश के खिलाफ जाकर उन्होंने कार्य किए, देश की जनता का अपमान करने का कार्य किया, देश की जनता को अपमानित करने का कार्य किया, जो देश की जनता को अपमानित करने का कार्य करते हैं। और आपने कर्नाटक में भी देखा होगा किस प्रकार के लोगों को वहां स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव में ये लोग उतार रहे हैं। और कांग्रेस के स्टार यानी कि स्टार कैंपेनर्स कौन है, इमरान प्रताप गढ़ी, जो व्यक्ति अतीक अहमद जैसे गुंडे को, अतीक अहमद जैसे माफिया को, उस प्रकार के डॉन को जो व्यक्ति अपना गुरु मानता हो, अपना आइडियल जो व्यक्ति उसको मानता हो, उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी पहले तो सर्वप्रथम राज्यसभा भेजती है, उसके बाद जो इनकी माइनॉरिटी सेल है उसका चेयरमैन नियुक्त करती है इमरान प्रताप गढ़ी को, और उसके साथ साथ ये स्टार कैंपेनर के तौर पर कांग्रेस पार्टी उसको प्रोजेक्ट करने का कार्य करती है, जो कि अतीक अहमद के समर्थन में बोलता हो, अतीक अहमद से जिसके मधुर संबंध हो, मधुर रिश्ते हो, अनेकों बार अतीक अहमद के मंचों पर ये व्यक्ति देखा भी गया है। तो अतीक अहमद के मंच पर जो जाता हो, अतीक अहमद के लिए जिसने कार्य किया हो, उसको तो निश्चित रूप से इस प्रकार के व्यक्ति को कांग्रेस को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस अगर इस प्रकार के व्यक्ति को आगे ला रही है, सामने ला रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एक सिरे से नकारने का कार्य करेगी, और भारत की जनता ने पिछली बार भी किया था, और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी किया था, और हर विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारेगी। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी विधानसभा के अभी चुनाव भी होंगे, कर्नाटक का भी विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और कहीं भी जहां भी आप चुनाव करा लीजिए, चाहे कितने भी किसी भी स्थान पर चुनाव हो भारत के, चाहे वायनाड में भी अब दोबारा से जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, इस बात को मैं स्पष्ट रूप से आपके एटीवी न्यूज़ चैनल पर कह सकता हूं। जी, लेकिन आरोप आपके ऊपर ये भी तभी जुबान से कांग्रेस के लगते हैं कि सबसे पहले आपने जो है सिद्धू को भेजा और आपने पंजाब से कांग्रेस का सफाया करवा दिया, उनके जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार तक हार गए, अब आप सतपाल मलिक को जो है भेज रहे हैं, 2024 में जो है कांग्रेस का टुकड़ा साफ आप करवाने जा रहे हैं। देखिए मैं उस कांग्रेस के लिए यही करूंगा, देखिए मैं उस संबंध में कुछ अधिक नहीं कहना चाहूंगा, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारती है, आपका प्रश्न होता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारती है। कांग्रेस पार्टी
अपने जो कार्य हैं उनके कारण हारती है, जो इन्होंने कुकर्म किए हैं उनके कारण हारती है, अपने कृत्यों के कारण हारती है, जो आकाश से लेकर पाताल तक भ्रष्टाचार की रेल इन्होंने बनाई है, भ्रष्टाचार की चैन बनाई है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, उसके कारण कांग्रेस पार्टी हारती है। और कांग्रेस पार्टी की हार के कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अच्छे कार्य किए गए, गरीबों के लिए कार्य किए गए, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना को चलाने की बात हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान जैसे एक मिशन को चलाया गया जिससे कि देश में स्वच्छता फैल सके, सफाई के लिए जागरूकता फैल सके, जो कि कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों के दौरान जब तक उनकी सरकारें रही तब तक इस अभियान को लॉन्च करने का कार्य नहीं किया। क्या पिछले प्रधानमंत्रियों को स्वच्छता की कोई आवश्यकता नहीं थी? क्या वो चाहते थे कि भारत गंदा रहे? क्या वे लोग आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं चला सकते थे? वे नहीं चला सकते थे क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना होता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीयत साफ है, इसलिए आयुष्मान भारत हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, बेनामी संपत्ति एक्ट हो, बीमा योजना हो, मुद्रा योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, इस प्रकार की अनेकों योजनाएं हैं आप देख सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, स्वर्ण आरक्षण जैसे कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए 2014 से वर्ष 2019 के बीच में हुए, और वर्ष 2019 से 24 का जो भी कार्यकाल है उसमें भी अनेकों योजनाएं चलाई गई, जन कल्याणकारी योजनाएं। और जिस प्रकार से राम मंदिर का कार्य हो या फिर तीन तलाक बिल हो या फिर अनुच्छेद 370 और 35 ए को जम्मू कश्मीर से हटाना हो, जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण हो या फिर नागरिकता संशोधन विधेयक हो, इस प्रकार के अनेकों कार्य जो किए गए हैं उसके कारण भारतीय जनता पार्टी आएगी दोबारा 2024 में जीत करके। और मैं भविष्य में कह सकता हूं कि बहुत ही जल्दी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड और पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून, पीओके और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी, और उसके बाद अनेकों कार्य देश के लिए किए जाएंगे। और जब तक 2024 तक जब तक चुनाव है तब तक भी अनेकों फैसले ऐसे लिए जाएंगे जिससे कि देश की जनता के आर्थिक स्तर पर भी उसमें मुनाफा होगा, चाहे वो एवरेज जो इनकम होती है उसको बढ़ाने की बात हो या फिर किसी भी प्रकार से। आप देख सकते हैं चूल्हे पर लोग रोटी बनाया करते थे, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई हर घर तक सिलेंडर पहुंचाने का कार्य हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया? क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों के खाते खुलवाने का, बैंक अकाउंट्स खुलवाने का कार्य बैंकों में किया? कांग्रेस पार्टी के लोगों को उस संबंध में कोई ध्यान ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग केवल और केवल ये चाहते थे कि किस प्रकार से हम भ्रष्टाचार करें, किस प्रकार से हम अपनी आय को दोगुना करें। वो किसानों की आय दोगुना नहीं करना चाहते थे, वो अपनी स्वयं की आय को दोगुना करना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो या फिर राजीव गांधी जी हो, उनके समय में भी बोफोर्स घोटाला हुआ, इतना बड़ा स्कैम हुआ, तो ये लोग अपनी आय को दोगुना तिगुना चौगुना करना चाहते थे। यहाँ जनता की जो जितनी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा रहा है। जी राहुल गांधी के न होने से क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर फर्क पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी के होने या ना होने से देश की जनता पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज के समय में जिस प्रकार से चल रही है वो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग, जो गुंडे माफियाओं से जिनके संबंध है, वे लोग कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कोई एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को कोई भी व्यक्ति अपनी वोट नहीं देगा। नोटा पर व्यक्ति बटन दबा देगा, वोटर नोटा को वोट दे देगा, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि वोटर को मालूम है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है देश को गड्ढे में डालना। अब कांग्रेस के वोटर भी कहने लगे हैं, मुझे कई लोगों के बकायदा फोन आए हैं, वे लोग कहते हैं कांग्रेस के ही वो लोग हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे इस बार और किसी भी हालत में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस का वोटर खुद भाजपा को वोट देगा। जो कोर वोटर कांग्रेस का था, जो पदाधिकारी थे, जो राष्ट्रीय स्तर तक पदाधिकारी रह चुके, वे लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और दिलवाएंगे और भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने में जी जान से जुट जाएंगे। आप हमेशा की तरह आप खूबसूरती से जो है आप बिना कुछ कहे और आप सब कुछ जो है कह जाते हैं, तो आपने अपनी बात जी की, जो जब से क्लाइंट फैसला आया है, जो एक्शन खरीद हुई है, उसको लेकर के जो है न्यायपालिका का अपना मत है, वहां पर क्या प्रस्तुत कर पा रहे हैं और क्या नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये उनके वकील और वो अच्छे से जानते हैं क्या आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये जब जो है फैसला करेंगे। तो इस कार्यक्रम में आप जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।